हेलो एवरीवन इस वीडियो के अंदर हम एक्स वाई जेड को फाइंड करेंगे फॉर यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड ठीक है पिछले वीडियो में हमने क्रेमर्स रूल को देखा था इस इस वीडियो के अंदर जो है हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड को देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी फ्रेम करेंगे वेर इज द मैट्रिक्स ठीक है एक्स क्या है अनॉन बी क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट जो इक्वेशन के राइट साइड पर है ठीक है सो पहले मैट्रिक्स को हम फ्रेम करेंगे टू माइनस वन थ्री वन 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 माइनस वन वन ओके हमने सब कोफिशंट्स लिख लिए मैट्रिक्स के फिर नेक्स्ट एक्स जो के है अनोन क्या है मेरे पास एक्स वाई जेड एंड बी बी क्या है कॉन्स्टेंट नाइन सिक्स टू ओके नाउ हियर ए एक्स इक्वल्स टू बी ठीक है तो मुझे बेसिकली x होना अगर मैं a को उधर इक्वल टू के वो सेट लेके जाऊं जो कि a जो मैट्रिक्स है उधर गए तो क्या आना हमारे पास a इनवर्स ऑफ b सो so, पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा इनवर्स ठीक है इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा और उसको b से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे अननोन आंसर आता है ठीक है तो अब a इनवर्स कैसा फाइंड करते हैं हमें मालूम a इनवर्स का फॉर्मूला वन बाई डेट ए इन एडजेंट ए ठीक है ये मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर टू ये ए नोट्स का फॉर्मूला है तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए डेट ए फाइंड करेंगे तो डेट ए कैसा फाइंड करेंगे असाइन करेंगे साइन प्लस माइनस प्लस क्रेमर्स रूल में हमने एक डिटेल में ये देखा है तो पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देखिए मैं बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सॉल्व किया है ठीक है सो नॉ हेयर टू ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन वन वन जन माइनस 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 विल बी प्लस वन okay now minus into minus plus 1 Now horizontal line vertical line, 1 1 zero, 1 minus 1 one, zero, 1 okay now plus 3 one horizontal line vertical line, 1 into minus 1 will be minus 1 minus 1 one, zero, 1 okay so now what i get 1 plus 1 will be 2 here 1 1 minus 1 0 plus 3 minus 1 minus 1 will be minus 2 now 2 2 zero, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री टू सिक्स जिक्स नाउ द डेट आंसर विल बी फोर माइनस टू विल बी माइनस टू ओके हियर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ए इनवर्स एक्सिट होता यानी कि अगर डेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ए इनवर्स एक्सिट एग्जिस्ट ठीक है अगर इसका आंसर मुझे जीरो आता था तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता था और उसका हम ए इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते ठीक है हम ए इनवर्स तभी फाइंड कर सकते तब डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो कंडीशन आपको याद रहना अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम उसका ए इनवर्स फाइंड हम नहीं कर सकते ठीक है सो ना अब हमें क्या करना होगा तो डेट ए तो आ गया अब हमारे पास क्या निकालना है अर्जेंट ए अर्जेंट ए कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास का ट्रांसपोज को फैक्टर का ट्रांसपोज ठीक है तो पहले हम को फैक्टर फाइंड करेंगे फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजेंट आता सो फर्स्ट में को फैक्टर को फाइंड कर रहा हूँ ठीक है को फैक्टर कैसा फाइंड करेंगे ये भी एक मैट्रिक्स है ठीक है so सो अब हम इश्यू को असाइन किए थे साइन तो सब को असाइन करना होगा अल्टरनेट साइन प्लस है तो नेक्स्ट क्या था माइनस नेक्स्ट क्या था प्लस माइनस है तो प्लस नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस प्लस ठीक है नौ तो फर्स्ट हम क्या करेंगे देखो नो फर्स्ट नंबर हमारे पास टू है तो असाइन साइन क्या हमारे पास प्लस है ठीक है प्लस नौ no. फिर सेम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन वर्टिकल लाइन तो क्या था आंसर वन वन जा वन माइनस माइनस वन इंटू वन विल बी माइनस वन एंड दिस माइनस विल बी प्लस नौ प्लस वन ओके अच्छा ये देखिए बहुत लॉट्स ऑफ स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज इसमें मैं बहुत सिंपल और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट हम असाइन साइन क्या के माइनस ये साइन को हमें कंसिडर नहीं करना होगा ठीक है हमने जो साइंस डाला उसे फोकस करना हमने माइनस दिया तो माइनस ठीक है वैसे ब्रैकेट ओपन अब इसको वन को लेकर हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन सो ना मल्टीप्लाई वन वन जन माइनस अगेन वन वन जन ओके ना नेक्स्ट हमने असाइन क्या क्या प्लस प्लस साइन ओके नाउ थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन वन इंटू माइनस वन विल बी माइनस वन नेक्स्ट माइनस वन 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 ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या करना सिमिलरली हर हर एक नंबर को करना होगा तो अब इसकी बारी तो इसको हमने क्या साइन किया साइन माइनस तो माइनस लिख देंगे फिर इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन तो क्या बज गई चार बज गए इसको ए डी माइनस बी सी करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा माइनस वन इंटू वन विल बी माइनस वन माइनस ना माइनस वन इन टू थ्री विल बी माइनस थ्री और ये माइनस क्या हो जाता प्लस थ्री ओके केयरफुल रहो उसने तो मिस जरूरी भी आखिर प्लस माइनस का भी मिस्टेक किया तो आंसर रॉन्ग आता ठीक है हमने साइन असाइन क्या किया प्लस तो लिख देंगे प्लस अब देखिए ये इसको हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन डिलीट हो गई ये चार बज गए तो ए डी माइनस बी सी करना है टू वन जा टू ओके माइनस वन थ्री जो थ्री नेक्स्ट नंबर को असाइन हमने क्या किया माइनस नौ इससे एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन तो ये चार बज गए क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये आई डी माइन एस बी सी टू इंटू माइनस टू विल बी माइनस टू माइनस वन इंटू माइनस वन विल बी माइनस वन वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस वन ठीक है और लास्ट रो असाइन क्या किया हमने प्लस ओके प्लस नौ एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ये चार बज गए क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस वन इंटू वन विल बी माइनस वन नौ माइनस वन थ्री जी ओके और नेक्स्ट माइनस ये हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल लाइन तो ये चार बज गए ए डी माइनस बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू वन जा टू माइनस वन थ्री जी नौ नेक्स्ट प्लस साइन असाइन किए थे हम नौ हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन टू वन जा टू माइनस वन इंटू माइनस वन विल बी माइनस वन एंड माइनस दिस माइनस विल बी प्लस वन ओके दिस कंप्लीटेट सिंपल एंड स्वीट बट यू हैव to केयरफुल with दिस साइन ठीक है जर्र भी आपने प्लस माइनस का भी गलती किया तो आंसर जो है रॉन्ग आता ठीक है तो ना नेक्स्ट तो को फैक्टर्स को सिम्पलीफाई कर लेंगे आंसर तो वन प्लस वन विल बी टू एंड पॉजिटिव नथिंग टू नो वन माइनस वन जीरो मीन जीरो नो माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस इंटू प्लस विल भी माइनस माइनस टू नेक्स्ट माइनस वन प्लस थ्री विल बी टू प्लस टू बट ऐसा ही नहीं है हमारे पास माइनस है तो माइनस टू 2 टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस इंटू प्लस माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस वन ओके नो हियर माइनस वन माइनस थ्री विल माइनस फोर माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस वन टू प्लस वन थ्री ओके क्या हो गया हमारे पास को फैक्टर अब हमें एडजॉइंट क्या निकालना है को फैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट इक्वल टू इसका ट्रांसपोज करना है हमारे को फैक्टर का ट्रांसपोज को फैक्टर का ट्रांसपोज तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आंसर यानी ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम जो हॉरिजॉन्टल है उनको वर्टिकल में लिखना होगा टू जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस वन ज़ीरो माइनस फोर वन थ्री ओके सो so, जो हॉरिजेंटल है उनको हम क्या करना है? वर्टिकल में लिखना है सो so, हमारे पास एडजेंट भी आ गया अब हमें क्या करना होगा इसको इसमें सब्स्यूट करेंगे ए इनवर्स आता फिर ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे सोल्यूशन आता ठीक है नाउ कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम सो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और हमने एडजेंट ए फाइंड किया ये गिवेन ए मैट्रिक्स है और बी है तो ए इनवर्स ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास वन बाई डेट ए इन टू

सो so, अब हमें क्या करना है बेसिकली बी फाइंड सॉरी एक्स फाइंड करना था सो so, एक्स का फॉर्मल हमने क्या लिखे थे ए इनवर्स इंटू बी ठीक है सो ए इन्वर्स को बी से इंटू करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या है वन डिवाइडेड बाई माइनस टू इंटू टू माइनस टू माइनस फोर जीरो माइनस वन वन माइनस टू वन थ्री ओके सो नाउ इसको इंटू करना किससे बी से बी क्या है हमारे पास नाइन सिक्स सो ना मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को सो ये वन बै माइनस टू एज इट इज और कीप माइनस टू सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम ठीक है फर्स्ट रो विथ फर्स्ट विथ फर्स्ट नाइन विथ नो मैनस टू इंटू सिल भी मैनस् टेलव मैनस फोर इंटू टू वि मैनस् फोर टू जयट ओके सो नो जीरो इंटू नईन विलो मैनस वन इंटू सिक्स विल मैनस 1 2 z uh, will be plus 2 Okay, minus 2 into 9 minus 2 9 uh, 18 minus 18 uh, 1 6 z uh, 6 uh, plus uh, 3 2 is uh, 6 so now what i get x is equals to minus 1 by 2 into now what i get uh, 8, 12 plus uh, 18 will be 20 20 will be 2 20 minus it will be minus 2 now minus 6 will be minus 4. Now 6 plus 6 12. 12 uh, minus 18 will be minus 6. Okay. Now I have to divide with minus 2. Minus 2 is so, 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 divide karo to answer kya tha? X is equals to minus 2 divided by minus 2. Now this minus 4 divided by minus 2. Now minus 6 divided by minus 2. So now x equal to 2 2 gets cancelled 1, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, now x is nothing but x, y, z which is equals to 1, 2, 3, which means x equals to 1, y equals to 2, z equals to 3. So, 3. This is the solution of x, y, z. ठीक है एक्स फाइजेड हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड थैंक यू होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम